नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो मेरा नाम अजय और जैसे कि आप देख सकते हैं हम फिर से ऑनलाइन की दुनिया में अवेलेबल हैं। तो चलिए गाइस, यहाँ पर जो है मेरा ऑफिस है, और जैसे कि गाइस आपने जो सेटअप बिजनेस की जो वीडियो देखी होगी, जो है कि कोकेन का बिजनेस जो हमने जो सेटअप किया है GTA में, तो गाइस आपको तो पता ही है नया बिजनेस स्टार्ट किया तो नई सीरीज होगी। तो गाइस चलिए उसका पहला मिशन जो है रीसप्लाइज उसके कर लेते हैं। पता नहीं क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, लेट्स डू दिस। चलिए हम अपनी जो है फैक्ट्री में जो है एंटर कर लेते हैं। ओ तेरी, इसको देखो सिक्योरिटी गार्ड, अबे तुझे ऐसे बैठने के लिए नहीं बोला, जा बाहर नज़र मार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ओके, सो मच सप्लाई यार, कितना काम हो रहा है यार। यहाँ पर ये असिस्टेंट लगा हुआ है, चल भाई तेरा प्रमोशन हम कर देंगे, कोई बात नहीं। और यहाँ पर जो है पैकेजिंग वाला जो बंदा खड़ा हुआ है, तो गाइस यहाँ पर जो सप्लाई हम करते हैं ये हैं टॉयज़ में से करते हैं, तो ये टॉयज़ में ये डालता है, और जो जो कि टॉयज़ होते हैं उनमें कोकेन जो है हमारा सप्लाई होता है। तो गाइस चलिए एक काम करते हैं, सप्लाईज तो वैसे ऑलमोस्ट हमारी फुल हैं, पर थोड़ी सी और सप्लाईज चाहिए होंगी, एंड लेट्स डू दिस रीसप्लाई स्टील सप्लाईज। देखते हैं कि भाई क्या करना पड़ता है क्या नहीं करना पड़ता, क्या धमाका होने, आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट टू बी ऑनेस्ट। एक मिनट, ये क्या कहता है, सिक्योरिटी कंपनीज, ओके मूविंग व्हाट दे नीड, ऑलराइट, ठीक है भाई हम उनके पास चलते हैं। फाइंड द वैन्स कैरिंग द सप्लाई, अबे यार अब कौन सी वैन को मैं ढूंढूं, एक काम करते हैं ये वाली नियरेस्ट वैन है तो चलते हैं और सप्लाई ढूंढते हैं। तो गाइस ये मिशन जो है ना 1.8 मिलियन का, जो मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई मैंने 1.8 मिलियन का जो बाय किया है, आपको मोटरसाइकिल क्लब भी बाय करना पड़ता है, तो ये बाइकर्स की सीरीज़ है, तो बाइकर्स के मिशन है। तो आपको अगर ये वाला मिशन एग्जैक्ट सेम मिशन अगर शुरू करना है तो गाइस आपको पैसे बनाने हैं, तो गाइस डोंट वरी, आपको बस थोड़े से पैसे चाहिएंगे, बिजनेस बाय करो, थोड़े और चीप ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं यार, नॉट दिस वन ऑब्वियसली, क्योंकि 1.8 मिलियन बहुत ही बड़ी रकम है यार GTA 5 ऑनलाइन में, और आपको कई दिन लग जाएंगे यार 1.8 मिलियन कमाने में, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई 1.8 मिलियन कैसे आएंगे, कितना टाइम लगेगा यार। तो जो एक काम करते हैं, ये तो वैन है, डेटोनेट स्टिकी बॉम्ब ऑन द रियर डोर, अच्छा तो रियर डोर पे हम एक काम करते हैं कि स्टिकी बॉम्ब जो है लगा लेते हैं, क्योंकि मेरी आर्म्ड व्हीकल है, मैं स्टिकी बॉम्ब एक्सेस नहीं कर सकता। तो गाइस आर्म्ड व्हीकल यार, आपको तो पता ही है आर्म्ड व्हीकल बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है इन मिशंस के लिए, क्योंकि कुछ नहीं पता होता कहां से गैंग आ जाए, कहां से गोलियां मारने लग जाएं। एक मिनट इसमें, अबे एक मिनट, तू मुझे मारेगा साले, मैं तुझे बड़ा मारूंगा। ओ तेरी, ओ ये तो सिक्योरिटी वाले हैं, ओ ये तो सिक्योरिटी, अबे तू जितनी मर्जी शॉटगन लेकर आ जा, तू मुझे कुछ नहीं कह पाएगा। ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, ये यहाँ पर खड़ी हुई है नेक्स्ट वाली, यू हैव रिच, अबे यार ट्रेजर हंट के ईमेल तुम भेजते रहते हो यार, मुझे कोई ट्रेजर हंट नहीं करना, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। एनीवेज चलो चलते हैं, ओनली हाफ यार 300 yards रहते हैं। तो ये सारी वैन्स हैं, आई बिलीव कि ये जो वैन्स हैं इनमें ड्रग सप्लाईज हैं, तो ये सिक्योरिटी वैन्स हैं, मतलब ऑब्वियसली गवर्नमेंट सिक्योरिटी वैन्स होंगी या कोई कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो ये वैन मूविंग है, तो ये वैन मूव हो रही है, तो इसके साइड में देखते हैं कि ये कैसी वैन है। अच्छा ग्रुप 16, ग्रुप 6, पता नहीं यार क्या कैसी वैन है कैसी नहीं है, तो है जो भी कहो सिक्योरिटी की वैन है। ओके ड्राइवर को जो है मैंने मार दिया, उसे भी मैंने मार दिया, एक काम करते हैं चलते हैं और रियर डोर पर जो है स्टिकी बॉम्ब लगा देते हैं। आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट मिशन यार, पता नहीं क्या क्या होने वाला है, आई थिंक क्या पता गैंग वॉर को, क्या नाम है, गैंग को मारना पड़े नेक्स्ट मिशन में, आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि गैंग के पास भी यार कोकेन ऑब्वियसली होता है यार, गैंग है तो ऑब्वियसली कोकेन वगैरह बिजनेस, तो ड्रग के बिजनेस तो वो करते ही होंगे यार। अच्छा ये दो वैन्स रह चुकी हैं, दो वैन साथ में है, तो एक काम करते हैं फटाफट से उनके पास चलते हैं और उनकी बैंड बजाते हैं। ओके लेट्स स्टार्ट इट अगेन, तो यार पता नहीं क्या कैसे सप्लाईज होंगे यार उस वैन में, पता नहीं कैसे सप्लाईज होंगे, क्या टैची है क्या है यार, तो किस चीज़ के सप्लाईज होंगे यार, उधर तो पाउडर वगैरह के जो सप्लाईज थे वो उनमें से क्या नाम है कोकेन बना रहे थे, मतलब कट रहे थे, तो पता नहीं सप्लाईज में होता क्या है यार, लेट्स चेक इट आउट। एक मिनट, दो वैन साथ में थी, अभी एक वैन यहाँ पर खड़ी हुई है और दूसरी वैन मूव हो रही है, तो आई थिंक कि इस वैन में सप्लाईज तो होनी चाहिए ही चाहिए यार। ओके यहाँ पर जो सिक्योरिटी वाले खड़े हुए हैं, ग्रोसरीज फ्रूट भी इन्होंने बंद की हुई है, ओह
इन्होंने मार्केट जो है बंद की हुई है। तो मतलब ये पुलिस वाले हैं, समझ लो मतलब आर्म्ड पुलिस है, पता नहीं क्या है, सिक्योरिटी वाले हैं। तो इन्होंने ये मार्केट से आए थे कि सप्लाइज जो है ना डिस्कवर किए हैं। ओ इसमें यू हैव फाउंड देम, तो इसी में है सप्लाइज। ओ तेरे कितने बंदे आ गए, ओए ओए कितने बंदे आ गए, ओए शिट कितने बंदे आ गए। ओ हो यार आई थिंक चारों तरफों से मेरे पीछे पड़ गए थे यार ये। तो अभी भी रुको मैं सोल्ट राइफल अपनी निकालता हूँ। हाँ बस AK-47 मैंने जो ले ली ना, अब इनकी मैं अच्छी, अबे अब तो है ही नहीं यार, कोई है ही नहीं अब तो कोई है ही नहीं। एक मिनट चलो चलते हैं, काम करते हैं, स्टील द सप्लाइज ले लेते हैं, पता नहीं क्या होने वाला है। ओह कितनी बड़े बड़े, अबे तू कौन है, बाहर निकल तू साले, तू बाहर निकल, तू बाहर निकल, कहाँ पर है तू। ऐसा मारूंगा ना मैं तुझे, ऐसा मारूंगा ना, पूछ मत, छली छली कर दूंगा मैं तुझे। ओ इसके पास तो वो भी है असॉल्ट राइफल, इसके पास भी थी यार UMP जैसे समझ लो। ओके लेट्स गो, एक मिनट 1.5 mile। अबे ये 30 क्या है, अच्छा ये पता नहीं क्या है यार ये। अच्छा अब डोर भाई बंद कर ले। हाँ तो हमने वैन जो है चुरा लिया, लेट्स डिलीवर द सप्लाइज। तो गाइज आपको कोकेन का बिजनेस कैसा लग रहा है यार? ऑब्वियसली ये अभी स्टार्ट है, तो पता नहीं क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। आई थिंक कि 2-3 वीडियो और तो आपको और मिशंस भी पता चल जाएंगे कि भाई कैसे हैं, इंटरेस्टिंग है नहीं है। तो गाइस मुझे बताइएगा कि अगर मुझे और ऐसे मिशन करने चाहिए या नहीं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन बिलो #cocainebusiness एंड वील कैरी इट ऑन फ्रॉम देयर। तो एक काम करते हैं, 1 mile रहता है यार, वैन बड़ी स्लो है। तो ये 30 का पता नहीं क्या सीन है यार, ये 30 आई डोंट नो कि आई थिंक 30 क्या सप्लाइज का नंबर है क्या है ये, आई डोंट नो कि ये 30 का क्या साइन है। पर यहाँ तो कोई भी सिक्योरिटी वाले अभी तक तो फिलहाल तो मेरे कोई पीछे नहीं पड़ा। ये आर्म्ड जो वैन है अभी तो मेरे पीछे फिलहाल कोई भी नहीं पड़ा, मतलब इनको तो आना चाहिए था यार, टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। जैसे कि बंकर बिजनेस में बंदे आ जाते थे रोकने के लिए, वैसे इसमें भी आने चाहिए थे, पता नहीं अब क्यों नहीं आ रहे यार। चलो कोई बात नहीं, हमें क्या, हमारा माल जो है हमें मिल चुका है, रास्ता साफ है। तो एक काम करते हैं कि पतली गली से निकल ले, तो 1/2 mile रह चुका है। लेट्स गो एंड डिलीवर द सप्लाइज टू माई कोकेन लॉकअप भी कह सकते हो, या कोकेन फैक्ट्री भी कह सकते हो, या कोकेन वेयर हाउस भी कह सकते हो, आप जो चाहें उसे। अभी वो क्या है सामने, अच्छा वो बीच पे जो गोला है, अच्छा जो क्या नाम है झूला लगा हुआ है, उसकी लाइटिंग आ रही है। ओके तो हमारी बस पास में ही है ये, वो सामने मेज बैंक ऑफिस जो है हमारा, हाँ वही है ना, हाँ मेज बैंक ऑफिस जो है ये रहा हमारा, सामने ही बस पहुँचने ही वाले हैं। आधा चांद निकला हुआ है, पूरा चांद निकाल लो भाई, क्या कर रहे हो, आधे में क्या होगा, आधा चांद निकाला हुआ है तुमने, वो भी गेम के अंदर, किसको वुद्दू बना रहे हो तुम। तो एनीवेज चलो निकलते हैं यहाँ से पतली गली से। ओके वेयर इज, हेयर इज़ अवर फैक्ट्री बिजनेस, ओ द सप्लाइज आर डिलीवर्ड। तो हम सप्लाइज डिलीवर कर चुके हैं, लेट्स गो इनसाइड एंड सी व्हाट्स गोइंग ऑन। अच्छा इन्होंने सप्लाइज निकाल दी, आवाज़ आ रही थी। ओके यू डिलीवर्ड सम बिजनेस सप्लाइज। तो गाइस आई थिंक कि ये हमारा काम तो कैरी ऑन होगा, जैसे ही प्रोडक्ट की वैल्यू जो है बढ़ेगी, जैसे ही प्रोडक्ट जो आप नीचे छोटे से बार देख रहे हो वो पूरे हो जाएंगे, हम फिर इसे बेच देंगे। तो गाइस तो इस वीडियो के लिए इतना ही, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो, सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।